मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक बार फिर से कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जाहिर है कि पिछले 9 दिनों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अस्पताल में एडमिट है, आज 10 दिन हो चुके हैं उन्हें, और सीएम शिवराज सिंह की अभी फिलहाल अस्पताल से छुट्टी नहीं होगी। एक दिन पहले ही बता दें आपको, सीएम शिवराज ने ट्वीट किया था और संकेत दिए थे उन्होंने कि अगर रिपोर्ट नेगेटिव आई तो वो आज डिस्चार्ज हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हम रुख करेंगे वासु चौरे, हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए। वासु, जाहिर है कि कल ही सीएम शिवराज ने ट्वीट भी किया था कि अगर रिपोर्ट नेगेटिव आई तो जल्द ही डिस्चार्ज हो जाएंगे, क्या खबर है, उनकी रिपोर्ट एक बार फिर पॉजिटिव आई है? बिल्कुल, देखिए लगातार 10 दिनों से शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनका इलाज चल रहा है भोपाल के कोविड-19 सेंटर चराई अस्पताल में, और जो उनको सिम्टम नहीं दिख रहे थे, उनका स्वास्थ्य लगातार बेहतर बना हुआ था और जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुए थे वो भी इसी बात की गवाही दे रहे थे, यही बता रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी जो हाल ही में उनका RT-PCR टेस्ट हुआ और उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव एक बार फिर पाई गई है, इसके चलते आज भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अस्पताल से छुट्टी नहीं हो सकेगी और उन्हें कुछ दिन का वक्त और अस्पताल में व्यतीत करना होगा। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने हालांकि अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके ये उम्मीद ज़रूर जताई थी दीपक, कि उन्हें किसी भी तरीके कोई लक्षण नहीं है, सिम्टम नहीं है, उनका स्वास्थ्य लगातार बेहतर होता जा रहा है और अगर रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है तो फिर वो अस्पताल से उनकी छुट्टी हो जाएगी और जो तमाम मध्य प्रदेश की बागडोर है फिर एक बार वो फ्रंट लाइन पर खड़े होकर संभालते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल ये थोड़ी अच्छी खबर नहीं है कि उनकी रिपोर्ट एक बार फिर से कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। हालांकि अच्छी बात ये भी है कि उनका स्वास्थ्य जो है वो बेहतर बना हुआ है और लगातार वो रिकवरी कर रहे हैं, लेकिन अब तक जब तक उनकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव नहीं आ जाती है उन्हें अस्पताल में ही रहना होगा और उनका जो इलाज है वो लगातार चल रहा है। हालांकि सीएम लगातार अस्पताल से भी सक्रिय बने हुए हैं और तमाम अधिकारी के साथ नेताओं के साथ चर्चा करते हुए जो तमाम गतिविधियां हैं उनको संचालित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वासु, बातचीत के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।